अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कालिखो पुल की संदिग्ध मौत हो गई है। उनकी लाश घर पर पंखे से लटकी मिली। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या की है। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है और हर कोई इस खबर से सन्न है। कालिखो पुल कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी की मदद से सीएम बने थे। कांग्रेस के पूर्व सीएम नबाम तुकी से अलग होकर कांग्रेस का जो धड़ा बना था उसी की पुल अगुवाई कर रहे थे। वो करीब 4.5 महीने तक अरुणाचल के सीएम रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि सत्ता जाने के बाद से वो मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजर रहे थे। कालिखो पुल का शव उनके घर में रस्सी से लटका हुआ मिला। उनकी खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। कथित तौर पर पुल ने अपने आधिकारिक आवास पर खुद को फांसी लगा ली। अरुणाचल पुलिस के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल ने कथित तौर पर आत्महत्या की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस घटना से सकते में आ गए। उन्होंने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। कालिखो पुल की खुदकुशी ने राजनीति के एक दूसरे चेहरे को भी सामने लाया, जिसमें कुर्सी जाने पर हताशा मौत बन जाती है।